वेलकम एवरीवन। आज का हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के बारे में हम सबसे पहले स्पष्ट रूप से कुछ बिंदुओं पर व्याख्या करेंगे, यानी कि इस पाठ के लेखक जो हैं वो स्वयं प्रकाश हैं। पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि इस पाठ का उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश प्रेम का वर्णन करना, इसका तात्पर्य यह है कि देश का निर्माण कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब जब देश का निर्माण होता है तो उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, यानी कि उनका नाम भी नहीं होता। और इस पाठ में यही बताया है कि नगर पालिका वाले कस्बे में चौराहे पर नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगी हुई थी, मूर्तिकार उस मूर्ति का चश्मा लगाना भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का एक व्यक्ति है जो चश्मे बेचने का काम करता है और वह जानता है कि नेताजी की मूर्ति का व्यक्तित्व जो है चश्मे के बिना अधूरा है, इसलिए वह प्रतिदिन मूर्ति पर अपने पास से चश्मे लगा देता है। सभी लोग उसका मजाक भी बनाते हैं और उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही चौराहे पर लगी रहती है और यही बात हालदार साहब को दुखी भी करती है, क्योंकि वह रोज़ मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ देखते थे और कैप्टन की मृत्यु जब हो जाती है उसके बाद उन्हें चश्मा लगा हुआ दिखाई नहीं देता है। जब वह चौराहे पर से गुजरते हैं तो उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ती है और वह देखते हैं कि उस मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया है। सरकंडा होता है एक प्रकार का तिनका, जिसे घुमा करके, मोड़ करके, चश्मा बना करके कोई बच्चा उस मूर्ति पर लगा देता है। और यही दृश्य जब हालदार साहब देखते हैं तो उनके मन में देशभक्ति की भावना आ जाती है और वह ये सोचते हैं कि करोड़ों व्यक्ति, गुमनाम व्यक्ति अपने अपने तरीके से आज़ादी में अपना योगदान देते हैं और इस योगदान में छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, कि किस प्रकार से नेताजी की मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर उसने सरकंडे का चश्मा बना करके लगा दिया। यहाँ पर जिस कस्बे का वर्णन किया गया है वह बहुत बड़ा नहीं है, उसमें कुछ पक्के कच्चे से मकान है, यानी कि छोटा सा एक कस्बा है और सीमेंट का जो कारखाना है उसमें हालदार साहब काम करते हैं और वही देखते हैं कि किस प्रकार से मूर्ति जो है बिना चश्मे की हो जाती है जब कैप्टन मर जाते हैं। और इसी प्रकार से हालदार साहब देशभक्तों के प्रति अपना नमन करते हैं, उन्हें सिर झुका करके अपना प्रणाम करते हैं। चश्मे के बिना नेताजी की मूर्ति जो थी वो अधूरी थी और उस अधूरेपन को कैप्टन ने अपने ढंग से पूरा किया। कैप्टन के बाद बच्चों ने इसे अपने ढंग से पूरा किया और यही भावना जो है यहाँ पर हालदार साहब व्यक्त करते हैं। अगर आपको इस पाठ की व्याख्या और वर्णन के प्रश्न चाहिए हैं तो आप इसके वन लाइनर्स भी मैंने बनाए हैं, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, उनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।